इस साल तूतनखामेन की कब्र मिलने की 100वीं सालगिरह है। साल 1922 में ब्रितानी पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने इसकी खोज की थी। किंग तुत कहे जाने वाले मिस्र के प्राचीन फराओ की कब्र बहुत अच्छी हालत में मिली और इसके साथ कई और कलाकृतियां भी मिली। इससे किंग तुत इतिहास के सबसे मशहूर फराओ बन गए। Perhaps the most remarkable discovery ever revealed in all the history of excavation. King Tutankhamun's face mask, as perfect today as when it was first made. The eyelids are inlaid with lapis lazuli, and the eyes almost come to life as you gaze at them. An amazing masterpiece. 3000 साल पुरानी इस कब्र की खोज पुरातात्विक इतिहास के सबसे उल्लेखनीय पलों में से एक है। लक्सर वैली में मिली राजाओं की कब्रों में ये इकलौती ही थी जो लगभग अपनी असल हालत में मिली थी। इसके भीतर 5000 से ज्यादा कलाकृतियां भी मिली थीं, जिनमें से ज्यादातर सोने की बनी थीं। तूतनखामेन ने 9 साल की उम्र में गद्दी संभाली थी और 18-19 साल की उम्र में मौत होने तक शासन किया था। तमाम लोग इस युवा राजा को प्राचीन मिस्र के वैभव का प्रतीक मानते हैं। By celebrating him, we are giving his soul continued life ever since the discovery of his tomb. Tutankhamun has helped Egypt's economy and public persona and political goals a huge amount. So really, he is the one true pharaoh of Egypt who has been loyal to his country for several thousand years. तूतनखामेन की कब्र मिलने के साथ ही उनकी कब्र के शापित होने और उनकी मौत की वजहों से जुड़ी तमाम थ्योरियों पर चर्चा होती रही है। 2005 में किए गए एक सीटी स्कैन से अंदाजा लगाया गया कि शायद उनकी मौत एक रथ हादसे में हुई थी। तूतनखामेन और उनकी कब्र में मिली कलाकृतियों को गीजा में नए ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम खुलने के बाद वहां दिखाया जाएगा।